मध्य प्रदेश के शांत माहौल को बिगाड़ने की कौन कर रहा है साजिश? मिलादुन्नबी जुलूस में विवादित नारे लगाने वाले कौन हैं? मध्य प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश क्या रची जा रही है? नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में सोमवार के दिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल यह है कि कौन मध्य प्रदेश के शांत माहौल को अशांत बनाने की कोशिश में लगा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में जुलूस के दौरान होई मोहल्ला के सीताराम मंदिर के सामने तन से जुदा होने के नारे लगने का आरोप है। बताया जा रहा है कि कुछ घरों में सुतली बम भी फेंके गए। इससे नाराज मोहल्ले के लोगों ने कोतवाली का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर एक्शन होगा। पुलिस ने सोमवार के शाम कुछ लोगों पर FIR दर्ज की। नहीं थी, कुछ लोग आए, अभी जुलूस था, कुछ देर पहले समापन हुआ है जिसका, तो उसके बाद ये कहना था कि कुछ लोगों ने पटाखे चलाए हैं और पटाखे घर में फेंके हैं, तो वो उसको हम लोग उनका आवेदन ले लिया और वहाँ से फुटेज हमारी, उसकी वीडियोग्राफी भी लगातार हो रही थी पूरे जुलूस की, तो फुटेज देख रहे हैं और भी साक्ष्य संकलित करेंगे और जो भी उसमें तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी लोग होंगे उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे। मंदसौर, यहाँ पर जुलूस के दौरान बस स्टैंड के बालाजी मंदिर पर पत्थरबाजी का आरोप है। पुजारी शरद द्विवेदी ने बताया कि उपद्रवी जूते चप्पल पहनकर मंदिर परिसर में चढ़ गए थे, विरोध किया तो मारपीट की, अफवाह फैली तो भीड़ जुट गई, बाजार बंद हो गया। पत्थरबाजी में 4 लोग घायल हो गए, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और आगजनी का भी आरोप है। शहर में जो मिलादुन्नबी के जुलूस निकल रहे थे, तो उसकी जो है उसके खिलाफ एक शिकायत आई है कि जो एक पक्ष के द्वारा, तो उनके साथ जो है जो लाठी चलाने के टाइम जो है उसमें चोट लगी है और उन दूसरे पक्ष का और भी कुछ बात है जो आवेदन के माध्यम से वो शिकायत कर रहे हैं, जिसकी उनको जो पक्ष जो शिकायत कर रहे हैं उनको थाना कोतवाली जो है उपस्थित है, वो थाना कोतवाली उनसे आवेदन प्राप्त करके जो कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। साथ ही मैं सभी पक्षों से बोलना चाहूँगा कि इसमें जो है पूरी शांति व्यवस्था कायम रखे, पूरी स्थिति पूरी नियंत्रण में, किसी तरह की भ्रामक जानकारी न फैलाएं और मैं सभी समाजजनों से जो है अपेक्षा करता हूँ कि शांति व्यवस्था कायम रखे। मंडला में जुलूस के दौरान कुछ इस तरीके का वीडियो सामने आया। एक युवक फिलिस्तीनी झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। आज मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज द्वारा एक जुलूस निकाला गया था, तो ये बात सामने आई कि उसमें एक व्यक्ति के द्वारा फिलिस्तीन का झंडा फहरा करके कोई ऐसी उन्होंने नारेबाजी की जिससे कि दोनों धर्मों के बीच अव्यवस्था हो सकती है। इस संबंध में उनके द्वारा आवेदन दिया गया है और आवेदन पे जो धारा के अंतर्गत जो भी अपराध पंजीबद्ध करना है वो करने के बाद उसमें हम गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञापन तो उन्होंने सिर्फ कार्रवाई की मांग की है कि जो उसने भी किया है उस पर कार्रवाई की जाए। अभी जानकारी मिल गई है जो व्यक्ति है जिसके द्वारा की नारेबाजी की गई थी और झंडा फहराया गया था, तो उसको तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा रतलाम में भी फिलिस्तीनी झंडा लहराने और विवादित भाषण का वीडियो वायरल हुआ है। यहाँ AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का एक विवादित भाषण बजाए जाने का आरोप है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी फिलिस्तीनी झंडा लहराने पर एक FIR दर्ज हुई है। सवाल ये है कि मिलादुन्नबी जुलूस की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व क्या मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में थे? कौन आखिर मध्य प्रदेश के शांत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? कुछ भी हो, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है और कुछ लोगों पर FIR दर्ज की गई है।